ज़रा सोचिए, आपको किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए टाइम पर निकलना है, या सपोज़ आपका कोई एग्ज़ाम है, आप क्या करते हैं? जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं कि कहीं देर ना हो जाए। बार बार एक ही ख्याल दिमाग में आता है कि मैं टाइम पर तो पहुँच पाऊँगा ना। तभी अचानक हम देखते हैं कि सड़क पर दूर तक लंबा जाम लगा हुआ है। अब आपके मन में क्या ख्याल आता है? अब मैं टाइम पर कैसे पहुंच पाऊंगा? मेरी मीटिंग का क्या होगा? मेरे एग्ज़ाम का क्या होगा? पता नहीं ये जाम कब हटेगा। काश मेरी टैक्सी उड़कर वहां पहुंच पाती। उड़कर? नहीं, ये तो सिर्फ सपने में ही हो सकता है। लेकिन रुकिए, अब ये सपने की बात नहीं रही। जल्द ही आपकी ये सोच सच में बदलने वाली है। हाँ, अब वो दिन दूर नहीं जब आपकी टैक्सी उड़कर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। पिछले दिनों बर्लिन में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी का सफल परीक्षण किया गया। अगले साल ये टैक्सी आसमान में उड़ती नजर आएगी। उड़ने वाली इस टैक्सी को फोलोकॉप्टर नाम दिया गया है। इसमें सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होंगे। हर उड़ान से पहले रोबोट द्वारा इसकी बैटरी बदली जाएगी। बीते महीने बर्लिन में हुए ग्रीन टेक फेस्टिवल में ये टैक्सी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। इस टैक्सी का लक्ष्य दुनिया में हर घंटे अगले 10 साल तक 1,00,000 यात्रियों को ले जाना है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री यानी प्रदूषण मुक्त होगी। इससे ना तो वायु प्रदूषण होगा और ना ही ध्वनि प्रदूषण। खबरों की माने तो अगले साल के अंत तक टैक्सी उड़ान भरने के लिए तैयार होगी। इसे पहले दुबई, सिंगापुर और जर्मनी जैसी जगहों पर शुरू किया जाएगा। इससे टैक्सी सर्विस में एक क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। लोग हवाई सेवा का आसानी से उपयोग कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सेवा बेहद सस्ती होगी। लोग उतने ही खर्च में इसका उपयोग कर पाएंगे जितना वो एक नॉर्मल टैक्सी पर आज के समय में खर्च कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए बहुत ही कम खर्च में आसमान में उड़ान भरने के लिए।